हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में ये बताएंगे जो एडमिशन्स हैं डाओ यूनिवर्सिटी कराची में ओपन हो चुकी हैं, फार्मेसी की, डीपीडी की, नर्सिंग की, बीएस की, ठीक है। उस हवाले से फुल डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है उसमें। और दूसरी बात कि जिना में भी ओपन हो गई है, उसकी पिछली वीडियोज़ में हमने बनाई थी, तो वो भी आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं, वो भी ओपन हो चुकी हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं, डाओ वाले क्या क्या क्राइटेरिया दे रहे हैं, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और उनकी एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं फुल डिटेल के साथ, ओके जी। तो यहाँ पे पहला पहला आ गया हमारे पास डीपीडी के हिसाब से, तो उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ए लेवल के हिसाब से भी 12 ग्रेड ETC और कैंडिडेट PRC एंड डोमिसाइल ऑफ सिंध। सिंपल बात है, डोमिसाइल होना चाहिए सिंध का। तो यहाँ पे नोट दिया गया, प्रोस्पेक्टर एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ अवेलेबल ऑन द डाओ यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो वहाँ पे अवेलेबल है फ्रॉम 30 नवंबर से। और जो है हार्ड कॉपी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और हार्ड कॉपी को सबमिट करवाएं जो एप्लीकेशन फॉर्म की है। और यहाँ पे जो वाउचर दिया गया है चालान का वो है 2500 का, ठीक है। जिना का जो वाउचर है वो है 3000 का, तो ये भी है। और एप्लीकेशन लास्ट डेट के बाद एक्सेप्ट नहीं होगी, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है फ्राइडे January 5, 2004। और एंट्री टेस्ट जो होगी उसकी वो डेट और वेन्यू बाद में डिसाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आ गया फार्मेसी के हिसाब से, मॉर्निंग एंड इवनिंग प्रोग्राम है ये। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, 60% मार्क्स मिनिमम होनी चाहिए इंटरमीडिएट या आई लेवल के स्टडी में, और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो स्टडी वो जो एंट्री टेस्ट में है वो शल बी 25%। और जो DPD में था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फार्मेसी में ये क्राइटेरिया है कि 25% एंट्री में होनी चाहिए, सिंध का डोमिसाइल, एप्लीकेशन फॉर्म सेम ऐसा ही जैसा DPD में फिल करा था आपने वो ही, और लास्ट डेट सबमिशन की यहाँ पे भी फ्राइडे 5 जनवरी 2024। और एंट्रांस टेस्ट का वेन्यू टाइम वो मेंशन किया जाएगा जब आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, वो एडमिशन जो इसी वेबसाइट पे होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे BS नर्सिंग का भी सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट में 50% मार्क्स होनी चाहिए, एज लिमिटेड होनी चाहिए 18 to 35 तक, बोथ मेल एंड फीमेल सिंपल, और कैंडिडेट डोमिसाइल और जेंडर रेशो जो होगा 50 male होगा 50 female होगा, ये उसका जेंडर रेशो है, एक उसकी क्राइटेरिया है ये। और पोस्ट का कुछ अलग है, पोस्ट RN BSM का कुछ अलग है, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा खुद, इतना कोई खास नहीं है लिखा हुआ। तो ये नोट भी सेम है वैसा ही, लेकिन इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन है वो 11 दिसंबर 2023 है, मतलब इसी साल आपको लास्ट डेट मिल गई है, ओके। और उसके बाद BS बायोटेक्नोलॉजी जो है इसमें क्या होना चाहिए, 60% मार्क्स होनी चाहिए, कैंडिडेट PRC एंड डोमिसाइल ऑफ सिंध होना चाहिए, और नोट बिल्कुल इसका भी सेम है एज इट इज़। और लास्ट डेट सबमिशन की जो है फ्राइडे January 2024, और एंट्रांस टेस्ट का जो डे वेन्यू एंड टाइम है वो भी मेंशन हो जाएगा बाद में, ठीक है जी, टेस्ट के बाद, मतलब इट्स मीन के आपका जब लास्ट डेट हो जाएगी तब आपका आ जाएगा, ओके जी। अगर आपको फुल एडमिशन प्रोसेस जानना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बताएं, फुल एडमिशन किस तरह से होगी, किस तरह से फॉर्म फिल होगा, हार्ड कॉपी के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।